नमस्कार आदाब, मैं उदय, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो गाड़ी है भाई, वो है नेक्सा बलेनो, और इसके अंदर हम करने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम का काम, ठीक है भाई। और ये जो मॉडल है, ये बेसिक मॉडल है गाड़ी का, बलेनो का बेसिक मॉडल है ये भाई। गाड़ी कुछ इस तरीके की है, तो इसके अंदर हम करने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम का काम। और गाड़ी के अंदर ना म्यूजिक लगा हुआ है सिस्टम, और ना ही स्पीकर लगे हुआ है। और इसके पर्दे हमने चारों खोल लिए हैं, दिख रहा होगा आपको, इस साइड में डमी दिख रही होगी, और पूरा डैशबोर्ड भी हमने खोल लिया है, ये देखिए वहाँ पे भी स्पीकर नहीं, लेफ्ट साइड में भी। और इसके अंदर हम लगा रहे हैं एंड्रॉयड प्लेयर, ठीक है, इसके अंदर एंड्रॉयड प्लेयर हम लगाएंगे। और ये डमी है जो लगा हुआ था कंपनी से, वो हमने निकाल दिया है, इसके जगह एंड्रॉयड प्लेयर लगाएंगे। और एंड्रॉयड प्लेयर हम कौन सा लगाने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे भी स्पीकर नहीं है, एंड्रॉयड प्लेयर दिखाता हूँ आपको कौन सा लगाने वाले हैं। इसके अंदर जो एंड्रॉयड प्लेयर है भाई, ये है निप्पॉन का प्लेयर हम इसके अंदर लगाने वाले हैं, 216 है, ये देखिए 9 इंच का एंड्रॉयड प्लेयर है ये, जो कि हम बलेनो के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। रियर डोरों में भी भाई स्पीकरों की वायरिंग नहीं आती है, वो भी हम करेंगे। और कपलर टू कपलर काम होगा पूरा, पिन टू पिन, कोई वायरिंग कटिंग कुछ नहीं होगी। पीछे के डोरों में वायरिंग नहीं है, पीछे के डोरों की वायरिंग हमें डालनी पड़ेगी। और ये हम फ्रंट डोर पर लगाएंगे JBL के कंपोनेंट, ठीक है, जो कि स्टेज 2 सीरीज के हैं। और पीछे लगाएंगे JBL के कोएक्सियल, जो कि 300 वाट के हैं, ठीक है भाई। तो पीछे हम लगाएंगे कोएक्सियल और आगे लगाएंगे कंपोनेंट। तो भाई गाड़ी का होने देते हैं, और जाता हूँ गाड़ी के अंदर, पूरा फिटमेंट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई गाड़ी का काम पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, स्पीकर हमारे लग चुके हैं, प्लेयर भी हमने फिट कर दिया, सिर्फ फिटिंग हमारी बची है। प्लेयर भी हमने लगा दी निप्पॉन का, देख सकते हैं फिटिंग इसकी, पूरा एकदम फिनिशिंग के साथ में इसको हमने लगाया है फ्रेम के अंदर। और ये हमारे स्पीकर भी लग चुके हैं कंपोनेंट, देखिए ये भी लगा दी हमने। और हमने भाई इसको लगाया है तो रिंग के साथ में लगाया है इसको, देख सकते हैं रिंग जो लगी हुई है। बहुत से लोग क्या डायरेक्ट फिट कर देते हैं और उसको लगा देते हैं तो खट 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 आवाज आती है, तो हमने वो नहीं किया, हमने रिंग लगा के ही लगाए हैं इसको। तो ये हमने आगे के कंपोनेंट भी हमने लगा दिए हैं। पीछे के कोएक्सियल में आपको दिखाता हूँ, ये पीछे के कोएक्सियल स्पीकर है 6 इंची, जो भी हमने लगाए हैं JBL के लगाए हमने, इसमें भी हमने रिंग लगाई है, देख सकते हैं आप, इसमें भी हमने रिंग लगाई है। और ये रहे हमारे टूटर, जो कि हम अभी इंस्टॉल नहीं किए रहे हैं, अभी इंस्टॉल करेंगे, जो कि पिलर में डोर की साइड में जो बेजल आती है इसमें लगेंगे, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद आपको साउंड सिस्टम पूरा सुनाता हूँ। ये तो भैया हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, अब सुनिए इसका साउंड सिस्टम, मैं सुनाता हूँ आपको एक एनसी सॉन्ग। तो भाई साउंड कैसा लगा आपको बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप सुनिए साउंड। तो भाई ये कुछ ऐसा था गाड़ी का साउंड, जो कि हमने स्पीकर लगाए और एंड्रॉयड प्लेयर लगाया। तो भाई आपको साउंड कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, और हमारा काम कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भी आपकी गाड़ी में काम कराना है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं स्टार का डेकोर एंड एक्सेसरीज, जो कि भोपाल MP नगर Zone 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।